नमस्कार, गुड इवनिंग, वर्णिकम, खम्मा गणी, सत श्री अकाल और आदाब। तो साथियों, इस विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे, आज का ब्लॉग मैं प्रारंभ करता हूँ। आज का ब्लॉग अत्यधिक एडवेंचरस होने वाला है। आज मैं हूँ मुंबई में और मुंबई में हम यात्रा करेंगे मेट्रो ट्रेन से, और मेट्रो ट्रेन में उस लाइन में यात्रा करेंगे जिसका उद्घाटन हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले किया है। चलिए, तो मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी भी दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्लॉग प्रारंभ करते हैं, मेट्रो की यात्रा का लुफ्त उठाते हैं। अब हम प्रस्थान करते हैं बिस्लरी वेस्टर्न एक्सप्रेस स्टेशन की ओर। साथियों, अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं। मुंबई मेट्रो ब्लू लाइन की डिटेल्स आपके सामने हैं। इसकी लंबाई 15 किलोमीटर है, 12 स्टेशन में इसकी सर्विस है। टर्मिनल्स वर्सोवा और घाटकोपर हैं, जैसा कि आपको मैप में दिखा रहा हूं। तो यहां से आप ऊपर जा सकते हैं यदि घाटकोपर जाना है, और हम जाएंगे इस तरफ जहां से हम यात्रा करेंगे दहिसर के लिए। और जो गुंदावली से दहिसर की यात्रा है उसको रेड लाइन कहा गया है। मुंबई मेट्रो लाइन 7 की डिटेल्स आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसमें फेयर या किराए की भी आपको विस्तृत जानकारी दी गई है। तो साथियों, मेट्रो का न्यूनतम किराया 10 रुपये है और अधिकतम किराया 50 रुपये है। तो चलिए साथियों, अब मैं आपको दिखाता हूँ मैप के माध्यम से कि हम गुंदावली से दहिसर किस तरह से हमारी यात्रा होगी, कौन से स्टेशन रास्ते में आएंगे। तो चलिए साथियों, अब हम प्रवेश करते हैं गुंदावली मेट्रो स्टेशन की ओर। तो साथियों, एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मेरे पास एक मेट्रो का कार्ड है जिससे मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से घाटकोपर की ओर यात्रा करता हूँ। तो मुझे ये देखना है कि इस कार्ड से हम यात्रा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो उसका भी चेक करेंगे। दहिसर तक की यात्रा हम गुंदावली मेट्रो स्टेशन से कितनी देर में कर पाएंगे वो भी देखते हैं। मेरा नाम निखिल मिश्रा है, यहाँ मेट्रो के यहाँ खड़ा हूँ मैं अंधेरी में, और वृंदावली स्टेशन से दहिसर तक का मेट्रो बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा सुविधा दिया है। ये मेरे ख्याल से बहुत ही कम समय में हम लोग बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं, और काफ़ी पब्लिक इसका यूज़ करेगी। ये जितने भी हमारे जॉब वाले हैं उनको आसान हो जाएगा जाना आना और जल्दी से पहुँचना किसी भी जगह पर, क्योंकि ये रोड पर काफ़ी ट्रैफिक रहती है, हाईवे पूरा जाम रहता है। हाँ जी, तो जाम रहने से क्या होता है, आदमी हमेशा 1 घंटा 2 घंटा कहीं ना कहीं अटक जाता है, घर नहीं पहुंच पाता है, काफ़ी काम छूट जाते हैं उसको। हाँ जी, मेट्रो ऐसी सुविधा बनाई है जो एकदम आप बोलो कि बहुत ही टाइम पे पहुंचाती है, आपका काम भी टाइम पे होता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ आज के लिए। मेरा नाम ध्रुव भटनागर है, अच्छा, मैं सर के साथ ही काम करता हूँ। और ये बहुत अच्छा मेट्रो बनाया गया है और बहुत अच्छी सुविधा मिली है। ट्रेन तो हमारे पास है ही, लोकल ट्रेन है ही मुंबई में, पर ये मेट्रो बनने से और भी आसान हो जाएगा कहीं भी ट्रैवल करने में। हाँ जी, और रोड्स पे भी ट्रैफिक बहुत कम होएगी। हाँ जी, मुंबई में बहुत फर्क पड़ेगा। कांदिवली मलाड के एरिया में वैसे बहुत ट्रैफिक रहता है, तो उसमें बहुत मदद मिलेगी हमको ये मेट्रो के। करेक्ट, मेरा जो घर है, मेरा घर मीरा रोड है। अच्छा, मीरा रोड से मेरे जो रिलेटिव अंधेरी रहते हैं। अच्छा, तो मेरा ये हाईवे में जाना आना होता रहता है। ये जैसे ही मेट्रो बनेगा बहुत आसान हो जाएगा ट्रैवल करना, और एयरपोर्ट हम लोग 20 से 25 मिनट में पहुंच जाएंगे मीरा रोड से, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सर, अभी आपको कितना टाइम लगता है? तो जैसे अभी आपने बताया कि आप मीरा रोड रहते हैं और अंधेरी तक आप रिलेटिव के आते हैं, तो अभी तक आप कैसे यात्रा कर रहे थे? लोकल से कर रहे थे, बाय रोड कर रहे थे? देखिए, मैं लोकल से भी ट्रैवल करता हूँ, रोड से भी करता हूँ, कभी बस से भी किया हूँ। तो रोड से कितना टाइम लगता है और लोकल ट्रेन से कितना टाइम लगता है? रोड से हमें है ना लगभग 1 से 1.5 घंटा हमें लगता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि ट्रैफिक नहीं रहेगा, रात के टाइम निकलेंगे या एकदम सुबह निकलेंगे तो 1 घंटा लगता है। अच्छा, और जब ट्रैफिक रहता है 1.5 घंटा हमको पकड़ के ही चलना है घर से निकल के। अच्छा, चाहे आप कैब से जाओ, चाहे आप ऑटो से जाओ, गाड़ी से जाओ, किससे भी जाओ। अच्छा, और ट्रेन से, लोकल ट्रेन से जाएंगे तो भी हमें लगभग 1 घंटा तो पकड़ के ही चलना है, क्योंकि हमें ट्रेन स्टेशन जाना है, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़नी है, उतर के फिर ऑटो पकड़ना है, 1 घंटा से 1.25 घंटा लगता है। साथियों, अभी हम यात्रा करेंगे गुंदावली से दहिसर की, और देखते हैं कि गुंदावली से दहिसर तक हम कितनी देर में पहुँचेंगे। और अभी भाई साहब ने हमको बिल्कुल सही समय बताया है
तो ये भी हम लास्ट में आकलन करेंगे कि कितना समय हम बचा पा रहे हैं। धन्यवाद भटनागर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू मेट्रो लाइन गुंदावली दहीसर ईस्ट। देखिए, सेल्फी लेने के लिए बनाया गया है और इस तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर इसको सजाया गया है। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। ये लिफ्ट यहाँ पर है। तो साथियों, 19 जनवरी को मेट्रो लाइन 7 और 2A का उद्घाटन हुआ है। तो साथियों, यहाँ पर आप लोग टिकट ले सकते हैं। मेरे पास कार्ड है, मैं देखता हूँ कार्ड से एंट्री हमारी हो सकती है। तो साथियों, यहाँ पर चेक इन करना पड़ेगा, तो मैं अपना बैग डालता हूँ और माइक भी डालना पड़ेगा। रंगोली के माध्यम से MMRDA या मेट्रो का सजीव चित्रण किया गया है, जो कि अत्यधिक मनोहारी लग रहा है। तो साथियों, जैसा मैंने आपको बता रहा था, वो कार्ड जो मेरे पास था, जो जिससे मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस और घाटकोपर के बीच में यात्रा करता था, वो कार्ड नहीं चलता है। इसके लिए आपको अलग से कार्ड बनवाना पड़ेगा या टिकट लेना पड़ेगा। तो चलिए, आगे हम प्रस्थान करते हैं मेट्रो लेने के लिए। तो साथियों, एक जो डिफरेंस मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पर, ये लेडीज़ के लिए अलग से बनाया गया है, और ये जो डोर है ये लेडीज़ के लिए है पिंक कलर से, जो कि अभी जो दूसरी मेट्रो चल रही है मुंबई में, उसमें इस तरह की सुविधा नहीं है। दूसरा, इस सिक्योरिटी के पर्पज से गेट बनाया गया है और ये भी अलग थोड़ा किया गया है इस मेट्रो में। फाइनली इंतज़ार के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है, मेट्रो ट्रेन, और चलिए अंदर हम प्रवेश करते हैं। चलिए, पहली यात्रा मेट्रो द्वारा। साथियों, जो आपको ऊपर ब्रिज दिख रहा है, वो मेट्रो लाइन ब्लू लाइन का ब्रिज है, जो घाटकोपर और वर्सोवा के बीच चलती है। साथियों, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, इसके पैरेलल ही हमारी ट्रेन चल रही है और अभी कुछ समय बाद इसके ऊपर आ जाएगी। चलो ठीक है। तो साथियों, मेट्रो स्टेशन के नाम थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, एम्बिग्यूटी है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, यदि अंधेरी ईस्ट का नाम गुंदावली रख दिया गया है, तो इस तरह से एक बार आपको यात्रा करके देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा मेट्रो का स्टेशन सही होगा आपके घर जाने के लिए। ये एक मेरा सजेशन होगा और इसको ठीक भी किया जाना चाहिए। मैंने आप सभी की सुविधा के लिए उसके पुराने नाम भी मेट्रो के साथ जोड़ दिए हैं, जो नीचे स्कोर कर रहे हैं। साथियों, इसी बिल्डिंग में मैं भी रहता हूँ। साज कैसे हो? मैं आदित्य तोमर। मैं आज पहली बार मुंबई मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ घर तक, तो मेरी स्कूल से। तो इससे पहले हम तीनों ट्रैवल करते ऑटो में। हाँ, ऑटो में, मतलब फेयर ज़्यादा आता था क्योंकि ट्रैफिक भी होता था। तो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते थे? यहाँ मतलब अंधेरी ईस्ट से गोरेगांव ईस्ट। अच्छा, तो फेयर आता था 120 के अराउंड। अच्छा, 120 करीब आपका फेयर आता था। हाँ, अच्छा। और 60 रुपीस। तो बहुत मतलब बहुत सस्ता हो। अभी 60 रुपीस भी आपका कम भी लग रहा है, 120 का जस्ट हाफ हो गया। हाँ, और प्लस आपका टाइम भी बचेगा। टाइम, तो टाइम ऑटो से कितना लगता था आपको? टाइम 30 मिनट्स। और अभी यहाँ पे 10 मिनट लगेगा। क्यों, अभी हम पहुंच चुके हैं दहीसर, और चलिए उतरते हैं और दहीसर मेट्रो स्टेशन का टूर करते हैं।
तो साथियों, कुंदावली ईस्ट से दहीसर ईस्ट तक की यात्रा हमने लगभग 35 मिनट में तय की है मेट्रो से, और सामान्यतः यदि हम देखें तो एवरेज हमको 1.5 घंटे लगता है यदि कुंदावली से दहीसर जाना है, यदि हम रोड से यात्रा कर रहे हैं। तो साथियों, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यदि हम मेट्रो से अपनी यात्रा करेंगे तो हम लगभग 1 से 1.25 घंटे जरूर बचा पाएंगे। तो साथियों, दहीसर से अब हमने टिकट ली है अंधेरी पश्चिम की ओर, अंधेरी वेस्ट की ओर चलिए तो आगे यात्रा करेंगे। तो ये पूरा यू शेप है, मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से यू शेप में मेट्रो चलती है। तो साथियों, स्क्रीन पर आपको यू शेप में एक मैप दिख रहा है जिसके दो भाग हैं। तो आप एक देखेंगे लाल कलर का भाग है जहाँ से मेट्रो गुंदावली ईस्ट से दहीसर ईस्ट तक चलती है, जो रेड कलर की है जिसको हम रेड लाइन कहते हैं, और फिर दहीसर ईस्ट से अंधेरी वेस्ट तक की एक रेलवे लाइन चलती है जिसे हम 2A बोलते हैं और इसको येलो लाइन कहते हैं। पूरे इस यू शेप में अर्थात गुंदावली ईस्ट से अंधेरी वेस्ट तक की यात्रा करने के लिए आपको मेट्रो ट्रेन बदलने की आवश्यकता नहीं है। फाइनली साथियों, हम पहुंच चुके हैं अपना अंतिम स्थान अंधेरी वेस्ट जर्नी यहाँ पर एंड करते हैं। साथियों, अब हम जा रहे हैं ब्लू लाइन की ओर, सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ से हम दूसरी मेट्रो पकड़ के जाएंगे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे स्टेशन, तो हमारा एक पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्लू लाइन की ओर। तो ब्लू लाइन का जो कार्ड है, यदि आपके पास में ब्लू लाइन का कार्ड है तो वो रेड लाइन में नहीं चलता है, हो सकता आगे उसको कनेक्ट किया जाए बट अभी तो नहीं चलता है। तो मैंने चूँकि ब्लू लाइन का कार्ड है तो इसलिए मैं अपना कार्ड से एक्सेस करके आगे यात्रा करूँगा। तो देखिए कार्ड है, कार्ड को यहाँ से एक्सेस करते हैं, गेट खुल गया और यहाँ पर चला जाए। तो साथियों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं बिस्तरी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जहां से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। तो साथियों, हम यहां से ही आगे गए हुए थे और अभी वापस हम यहां से आ गए हैं, तो पूरा एक राउंड हमने किया है। चलती है साथियों, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा है कि आज आपको आज का ब्लॉग मुझे पसंद आया होगा। यदि आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय।